हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 जो है कौन सी एक्सरसाइज है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखो, सॉलिड फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऐड करना है। तो जैसा कि हमें पता है, 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 0 और 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का 1। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। देन नेक्स्ट है, इसमें कैरी नहीं है। देन नेक्स्ट में देखो, 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। 12 का 2, 1 कैरी, 8, 2, 10। 10 और 1, 11। 11 का 1, 1 कैरी, 7, 1, 8 एंड 1, 9। ठीक है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन देखो क्या है। यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा फर्स्ट वाले लेटर से। तो फर्स्ट वाला लेटर भी क्या है हमारा? 0 है। देन नेक्स्ट से लेंगे, नेक्स्ट से 1 कैरी ली, कितना हो गया? 10। 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब इस 10 से कैरी लेंगे, देन ये कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर कितना बचेगा? 9। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1। यहाँ पे 9 है, 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यहाँ पे कितना बचा? 6, क्योंकि हमने 1 कैरी ले ली थी। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। ओके, अब आगे हमें दे रखा है कि सोल्व इट करना है। तो सोल्व इट करना है तो देखो, सारे नंबर दे रखे हैं, इन नंबर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 8, 0, 3, 0, 6, 2, 7। देन इसको ऐड कर देंगे, 6 और 7, 13, 13 का 3, 1 लगा दी कैरी, 8, 2, 10, 10 और 1, 11, 11 और 1 कैरी, 5 और 3, 8 और 1, 9। तो कितना हो जाएगा? 913। देन नेक्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। आगे जो हमें दे रखा है वो क्या है कि भाई, हमें सीरियल नंबर से बनाकर दे रखा है कि 264 में से 67 ऐड करो, और जो आए उसमें से 199 को सब्ट्रैक्शन कर दो। तो कैसे करेंगे? 364 प्लस 67, ऐड करेंगे 7 और 4, 7 और 4 कितने देंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 1 कैरी, 1 यहाँ पे लगा देंगे, 1 कैरी, 6, 6, 12, 12 और 1, 13, 13 का 3, 1 कैरी, 3 और 1, 4, कितना आ गया हमारे पास? 431, 431, सब्ट्रैक्शन 199। अब 431 है, इसमें से 199 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 1 कैरी लेंगे इधर, 10 हो जाएगा, 10 में से 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है क्योंकि 1 कैरी हमने ले ली थी। तो इसमें से देंगे, 4 से इधर कैरी जाएगी, 12 हो जाएगा 9, 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3 बचे, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो हमारा आंसर जो है 2, 3, 2 आ जाएगा। ओके।